एस इज डाइवर्जेंट एन टी इज कन्वर्जेंट बॉथ एस एन टी आर डायवर्जेंट तो आपको जो यहां पर ये दोनों सीरीज है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है और कौन सी डायवर्जेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है तो मैं सबसे पहले एस के लिए बात करूंगा तो अगर एस कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट ऑफ यू एन फोर एस एन इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी जीरो होगी तो यू एन बोलिए या यूके बोलिए क्योंकि यहां पर के टर्म्स में है तो मैं इसका यू के लिख लेता हूं तो लिमिट आ, के टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू के माइनस वन रेज टू दावर सॉरी इन टू टू रेज टू दावर टू के माइनस वन ये है और अगर मैं के टेंस टू इन्फिनेटी कर देता हूं तो ये यहां पर क्या आएगा ये इन्फिनेटी इन टू रेस टू दी पावर इन्फिनिटी तो फाइनली क्या है? आएगा, और infinity, आ, ये हो रहा है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है यहाँ से हमें क्या पता चल गया सकता है लेकिन कन्फर्म नहीं है तो कन्फर्म करने के लिए मैं इसमें कोई टेस्ट अप्लाई कर देता हूँ चाहे कंपेरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट किसी भी टाइप का आ, मैं इसमें टेस्ट अप्लाई करता हूँ तो यहां पर ये जो है वन अपॉन टू के माइनस वन इंटू टू रेस्ट टू दावर टू के माइनस वन यहां पर ये है तो ये जो आपका होगा ये लेस देन होगा अपॉन क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता है वो छोटा बनाता है अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में यानी कि डिनोमिनेटर मीन्स डी डी में जैसे ही आप लार्ज करते हैं तो उसका जो वन अपॉन डी होता है वो स्मॉल होता है तो अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं यहाँ पर अगर स्मॉल करूंगा डी को तो ये वन अपॉन डी जो होगा ये बिग होता चला जाएगा यानी कि बिगर होता चला जाएगा तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ डिनोमिनेटर को तो ये क्या होगा टू रेज टू दावर टू के माइनस वन इस तरह कर देता हूँ यहां से जो मैंने था ये टू के माइनस वन क्योंकि पॉजिटिव टर्म है इसको मैंने रिमूव कर दिया है तो अभी ये क्या हो गया थोड़ा स्मॉल हो गया इसका डिनोमिनेटर और ये थोड़ा इसका जो रेसि प्रोकल है वो इस तरह से मैंने किया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो हाफ इसका कॉमन रेशियो हाफ है तो ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी यानी कि समेसन ऑफ दिस और ये तो ये ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपकी ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट uh, होगी तो यहां से तो हमें एस के बारे में पता चल गया है कि एस तो कन्वर्जेंट है अब हमें जो पता करना है वो टी के बारे में पता करना है तो हमारी जो टी है वो कुछ इस तरह से गिवन है तो यहाँ पर टी के लिए देख लेते हैं टी भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो क्या तो ये कन्वर्स करेगी या डायवर्स करेगी या ये डायवर्स करेगी तो यहां पर आ, इसके अगर ये कन्वर्स करेगी तो इसकी जो लिमिट होगी लिमिट वो जीरो होगी तो हम यहां पर देख लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है तो लिमिट ऑफ क्योंकि ये के टर्म्स में है तो मैं uk लिख लेता हूं यू के और के टेंस टू इनफिनिटी और यहां पर जो यू के है वो क्या है आपका लिमिट के टेंस टू इनफिनिटी थ्री के माइनस फोर और थ्री के प्लस टू रेस्ट टू दावर के प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में मैं विद इन ब्रैकेट की बात कर रहा हूं और ये डिनोमिनेटर है तो सॉरी न्यूमरेटर जो है वो एक पॉलिनोमियल है और इसका जो हायर डिग्री का काफिशियंट है कॉफिशियंट ऑफ हायर डिग्री वो क्या है थ्री और ऐसे डिनोमिनेटर में भी तो इसका जो लिमिट है वो इनसाइड द ब्रैकेट जो होगा वो वन होगा और अगर हम पावर की बात करें तो ये के चला जाएगा यानी कि वन रेज टू द पावर इन्फिनेटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो इसके जो हम लिमिट निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे हम लेट करेंगे एल इक्वल टू लिमिट ऑफ थ्री के माइनस फोर अपॉन थ्री के प्लस टू एंड रेज टू दावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री जब भी हम इस तरह से एल इक्वल टू दिस करेंगे और फिर लोग ले लेंगे लोग इसलिए लेंगे क्योंकि ये पावर में है तो ये हमारा जो मोटिव होता है इसको हमें मल्टीपल में लाना होता है यानी कि जैसे ए इंटू बी और फिर हम अरेंज करके हम इनफिनेटी बाय इन्फिनेटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म ऑपटेन करते हैं और फिर इसमें एलोपिटल रूल अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिट आती है क्योंकि बोथ साइड हम लोग लेते हैं लोग एल इक्वल टू लोग एल इक्वल टू वॉट एवर द लिमिट आइदर पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तो जब हम एल निकालेंगे तो क्या होगा अगर ये पॉजिटिव आता है तो ई रेस टू दावर पॉजिटिव नंबर ये क्या आएगा एक पॉजिटिव आएगा और ये ग्रेटर देन होगा क्योंकि ए e का जो वैल्यू होता है वो टू पॉइंट सेवन वन फोर आई थिंक कुछ इस तरह से होता है और अगर निगेटिव आता है तो वन अपॉन ई ये लेस देन आपका वन हो जाएगा और जीरो भी आता है तो ई रेस टू दावर जीरोक्वल टू वन तो वट एवर द लिमिट यहां पर जो एल आएगा वो क्या आएगा टर्म्स में आएगा यानी कि आपका कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो नॉट इक्वल टू जीरो आने की वजह से हमें ये पता चल गया है कि ये जो t है ये क्या है डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट एस हमारा कन्वर्जेंट है और t हमारी डाइवर्जेंट है तो यहां पर कौन सा ऑप्शन इस बात को कहते हैं यहां पर तो कहते हैं ए ऑप्शन की बात करें बोध दस एन टी आर कन्वर्जेंट तो ये रॉन्ग हो जाते हैं बी ऑप्शन की बात करते हैं

और आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी या आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं एक्स क्यू माइनस ट्रेस ऑफ सपोज आई कॉल दिस मैट्रिक्स ए तो ट्रेस ऑफ ए एंड प्लस सम ऑफ ए वन वन ए टू टू यहाँ पर ए वन वन जो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म होता है यानी कि कॉ फैक्टर वो है प्लस ए थ्री थ्री ये कॉ फैक्टर हो गए एक्स माइनस ऑफ ए इक्वल टू जीरो दो तीन में निकल जाएगा लेकिन अगर ये यह यहाँ पर देखें तो स्पेशल काइंड मैट्रिक्स है इसका रो सम देखिए वन फोर सिक्सटीन ट्वेंटी वन आएगा और रो सम जो है वो ट्वेंटी वन है और हर एक कॉलम सम भी ट्वेंटी वन है तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो सम या कॉलम सम अगर कोई नंबर आता है तो वही उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है तो बिना हम कैरिक्वेन या पोलिनोम किसी भी तरह से हम इसका आइगन वैल्यू बता सकते हैं कि लार्जेस्ट वन कौन है तो लार्जेस्ट वन इज ट्वेंटी वन तो आप इस स्टेटमेंट को एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं और इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत ही सिंपल होता है सपोज कीजिए अगर मैं कोई टू बाई टू मैट्रिक्स के लिए मैं आपको शॉर्ट प्रूफ दे देता हूँ सपोज कीजिए एक मैं टू बाई टू मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं लेटेस्ट आई कॉल इट मैट्रिक्स बी तो इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे बी माइनस लैमडा आई इसका डिटर्मिनाट इक्वल टू जीरो नाउ, ये हो जाएगा ए माइनस लैमडा और डी माइनस लैमडा यहां पर सी यहां पर बी डिटर्मिनाट इक्वल टू जीरो क्योंकि मुझे क्या गेवन है स्टेटमेंट में सम ऑफ ईच रो तो रो मतलब यहाँ पर मुझे ए और बी का सम चाहिए तो इसलिए मैं इन कॉलम्स को ऐड कर दूंगा और ये हो जाएगा बी डी माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो अब आप यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी यानी कि सपोज कीजिए रो सम को मैं एस कॉल कर देता हूँ तो ये जो होगा मेरा ये हो जाएगा एस माइनस लेमडा बी और ये हो जाएगा एस माइनस लैमडा और डी माइनस लैमडा इसका डिटर्मिनाट इक्वल टू जीरो अब मैं आउटसाइड आउटसाइड ले लूंगा, तो S lambda outside, और ये हो गया वन वन बी डी माइनस लैमडा आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी नॉट ऑल इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर ये डिटर्मिनाट आपका जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ ये जीरो होगा तो एस माइनस इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू बन गई है लेकिन अभी तक अभी ये बना है कि जो सम है वो आइगन वैल्यू लार्जेस्ट वन होगी या नहीं होगी इसको भी इसका भी बहुत ही सिंपल काइंड का प्रूफ है आप उसको भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा प्रूफ वगैरह में आ, मेरा काम था कि समहा जो स्टेटमेंट मैंने यूज की इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो द लार्जेस्ट टाइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स अच्छा इस मैट्रिक्स का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो बहुत ही सिंपल काइंड था अगर इसका फॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स का अगर वो कुछ टिपिकल फॉर्मेशन देता आपको कंफ्यूज करने के कि इसमें तो क्या करते हैं स्टूडेंट अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी पता होती है तो इस मेथड से वो निकाल लेते हैं और इसको आंसर कर सकते हैं लेकिन वो आपको इस तरह का देगा जैसे पाई टू पाई फर्स्ट रो और माइनस सिक्स पाई इस तरह से दे दिया पाई की वैल्यूज में यानी कि अब आप यहाँ पर देखेंगे रोसम इसका कितना है थ्री पाई माइनस थ्री पाई है तो मुझको माइनस थ्री पाई रखना है तो माइनस थ्री पाई जीरो जीरो पर मैंने सिक्स पाई इलेवन सॉरी कर दिया ये इलेवन हो गया अब मुझे करना था माइनस थ्री तो यहाँ पर माइनस फोर्टीन पाई अब आप देख सकते हैं कि इसका जो सम है वो सभी का सेम है यहाँ पर πi, तो पाई टू पाई माइनस थ्री यहाँ पर माइनस थ्री यहाँ पर इलेवन माइनस थ्री पाई

हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं या सी में देख सकते हैं या आई में आ, आ, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आप देखेंगे कि जो भी हमारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एग्जाम उसमें क्या कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट का यूज करके आइगन वैल्यू का यूज करते हैं या इस क्वेश्चन को, को रिलेट करते हैं कि यहाँ से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी और फिर उससे वो उसके लिमिट वगैरह मतलब उसमें थोड़ा लगा के, आ, रेल का पार्ट वो क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं तो इस तरह से हमें देखना चाहिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन इस एक्सप्रेशन का हमें यहाँ पर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो इसकी इंटीग्रल integral... जो फाइंड आउट करना है वहाँ पर कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी तो सबसे पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रल में दे रखा है वो दे रखा है माइनस वन से वन वन माइनस एक्स स्क्र एज टू पावर एन डी एक्स अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से अगर एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू इन टू टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेस्ट टू दावर टू एन एन फैक्टोरियल और यहाँ पर इंटीग्रल है जीरो से वन वन माइनस एक्स स्क्ट पावर एन डी एक्स तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीग्रल जीरो से वन है और अगर इंटीग्रल जीरो से वन है तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसमें बीटा फंक्शन अप्लाई करें लेकिन अगर बीटा फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना है तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्र है ये यहाँ पर लीनियर होना चाहिए यानी कि जो वेरिएबल है वो लीनियर में होना चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी तो उस हिसाब से एकस एकस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है और हमारा जो डी एक्स है वो मिलता है वन अपॉन टू एक्स डी टी और इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉइंट टू और x का वैल्यू अगर हम यहाँ से यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं रू टी डी टी और इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं तो लिख सकते हैं वन अपॉइंट टू टी की पावर माइनस हाफ डी टी अब इस इंटीग्रल को मैं यूज़ कर लूंगा सॉरी इस सब्सटीट्यूशन को मैं यूज़ कर लूंगा और न्यू जो लिमिट होंगी वो ज़ीरो से बन ही रहेगी तो मेरा अब जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगा टू इन टू टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेस्ट टू द पावर टू एन एन फैक्टोरियल और ये रहा आपका जीरो से वन और यहाँ पर लिखूँगा टी के पावर माइनस हाफ वन माइनस एक्स रेस्ट टू दिपा क्योंकि टी में यूज करेंगे तो टी में लिखेंगे इसको वन माइनस टी और ये हो गया डी टी और यहाँ पर वन अपॉन्ट टू था जो था वो यहाँ पर मैंने उसको लिखा इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया है अब जो एक्सप्रेशन मुझको मिलता है वो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा फंक्शन है तो यहाँ पर जो होता है पावर में वो हो जाता है बीटा एक प्लस कर देंगे यानी कि ये माइनस हाफ प्लस वन तो ये हो जाएगा हाफ और इसमें पावर में एन में वन प्लस करेंगे तो ये एन प्लस वन तो बीटा हाफ कॉमा एन प्लस वन और जो आउटसाइड था वो है एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेस्ट टू दावर टू एन एन फैक्टोरियल तो अब हमें ये यह यह यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला है बस अब सिंपली हमें ये कैलकुलेशन पार्ट आ गया है और कैलकुलेशन पार्ट को हमें सिम्प्लीफाई करना है तो ये हुआ टू एन फैक्टोरियल और ये हुआ बीटा बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन हम यूज करेंगे तो गामा हाफ गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एन प्लस एन तो ये हो जाएगा गामा एन प्लस थ्री बाई टू इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा और इसके जो था वो टू रेस्ट टू दावर टू एन और एन फैक्टोरियल ये और था तो अब हो जाता है टू एन फैक्टोरियल अपॉन टूरिस्ट दि पावर टू एन एन फैक्टोरियल और गामा हाफ का वैल्यू हो जाता है रूट पाई और गामा एन प्लस वन अगर एन आपका एक इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है अगर एन प्लस वन गामा है तो ये हो जाता है एन फैक्टोरियल ये हमारा कंसेप्ट होता है एन फैक्टोरियल का अगर एन जो है आपका एक पॉजिटिव इंटर है तो, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एन और एन फैक्टोरियल और इस एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर एन प्लस रूट थ्री बाई टू है गामा में तो गामा फंक्शन में क्या होता है अगर गामा इस तरह से दे रखा है तो गामा एन अगर जो इनसाइड एक्सप्रेशन है ये अगर इंटीजर नहीं है तो इसको लिखेंगे एन माइनस वन और ये हो जाता है गामा एन माइनस वन इस तरह से हम इसको यूज करेंगे और इस तरह से यूज करने पर यह हमें मिलेगा सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम इसमें से एन माइनस करें वन को एन टाइम्स माइनस करें तब यहाँ पर एन खत्म होगा तो इसको हम लिखेंगे एन प्लस हाफ पहले एक कम किया फिर गामा एन प्लस हाफ हो जाएगा तो फिर उसमें से एक कम करेंगे यानी कि हम एक एक कम करना है यहाँ पर तो ये हो जाएगा एन माइनस हाफ फिर हो जाएगा एन माइनस थ्री बाई टू और ये इस तरह से चलता रहेगा फाइनली आपको मिलेगा ये और फिर गामा हाफ और गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई अब इस रूट पाई से ये रूट पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है तो आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है पार्ट में आपको मिलता है टू एन फैक्टोरियल और जो डिनोमिनेटर है वो टू रेस्ट टू दावर टू एन और यहाँ पर मिलता है एन प्लस हाफ एन माइनस हाफ और एन माइनस थ्री बाई टू सो ऑन अप टू वन अपॉन टू तो यहां से आप वन अपॉन टू कॉमन ले लेंगे तो यहां से जब क्योंकि ये जो कितनी टर्म्स थी यहां तक आपकी एन टर्म्स हैं यहाँ तक और फिर एक ही रहेगा तो ये कितना हो जाएगा एन प्लस वन तो टू तो एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेस्ट टू पावर टू एन और ये हो जाएगा वन अपॉन टू टू दावर एन प्लस वन और मिलेगा हमें टू एन प्लस वन टू एन माइनस One, फिर मिलेगा टू एन माइनस थ्री और एंड सो ऑन आगे आगे मिलेगा हमें टू एन और तक ये चलता रहेगा और ये सारा का सारा आपका डिनोमिनेटर में है तो यहाँ से अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं यहाँ पर जो टू एन फैक्टोरियल है नोमिनेटर में उसको अब हम एक्सपेंड कर देते हैं तो ये इसको लिखेंगे हम टू एन फिर लिखेंगे टू एन माइनस वन एक कम करते जाएंगे लिखेंगे टू एन माइनस टू और इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे फिर नीचे डिनोमिनेटर में आपका जो एक्सप्रेशन मिलेगा टू रेस्ट टू द पावर टू एन और यहाँ पर वन अपॉन टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन को हमने ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा टू के पावर एन प्लस वन ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है और जो डिनोमिनेटर में है अभी टू एन प्लस वन टू एन माइनस वन और टू एन माइनस थ्री और टू एन माइनस फाइव एन सो ऑन ये बचता है अब आप यहाँ से देख सकते हैं टू एन माइनस वन आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पर आएगा टू एन माइनस थ्री ये आप इसको कैंसिल कर देगा फिर ये फाइव भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ की सारे टर्म नीचे की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और जो न्यूमरेटर में बचेगा न्यूमरेटर में आपको क्या बचेगा टू एन माइनस फोर जैसे इस तरह से टर्म बचेगी यानी कि एवन वाली तो यहाँ पर बचेगा टू रेस्ट टू दावर एन प्लस वन टू एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू टू एन माइनस फोर एंड सो ऑन और जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो बचेगा टू रेस्ट टू दावर टू रेस्ट टू दावर टू एन टू एन और बचा टू एन प्लस वन सिर्फ ये एक्सप्रेशन में बचता है अब यहां पर जो न्यूमरेटर पार्ट है जिसको मैं सर्कुलर कर रहा हूं यहां से सबसे हम टू कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन अगर टू कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पर भी एक टू है तो एन टाइम्स कॉमन लेना पड़ेगा हमें तो ये हो जाएगा टू के पावर एन प्लस वन टू के पावर एन और ये मिलेगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एंड सो ऑन और डिनोमिनेटर में हमें मिलता है टू रेस्ट टू द पावर टू एन और टू एन प्लस वन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम बेस के हैं तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे तो ये मिलेगा टू रेस्ट टू द पावर टू एन प्लस वन और ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल जो इतना ये सर्कुलर पार्ट है ये एन फैक्टोरियल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो टू रेस्ट टू दावर टू एन और ये बनेगा टू एन प्लस वन यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर टू बचेगा तो फाइनल जो मिलेगा टू इन टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू एन प्लस वन ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन बी भी, भी गलत हो जाएगा एन फैक्टोरियल ऑप्शन सी में है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि दे रखा है जीरो से टू जीरो से लेमडा एक्स और जीरो से म्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कि म्यू फंक्शन है एक्स कॉमा वाई डी जेड डी वाई डी एक्स इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको जो प्लेन दे रखी है जिससे ये बाउंडेड है टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू जीरो इन प्लेन से बाउंडेड है तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट में x और y वेरिएबल को यूज किया गया है तो ये लिमिट होगा z का यहाँ पर x यूज हुआ है तो ये लिमिट होगा y का और जो रिमेनिंग बचा यानी कि ये x का लिमिट होगा यानी कि कॉन्स्टेंट लिमिट आपको दे रखा है यहाँ पर जेड की जो लोअर लिमिट है वो जीरो है तो सबसे पहले इस प्लेन के हेल्प से मैं जेड में फंक्शन लिखता हूँ जेड इक्वल फोर माइनस टू एक्स माइनस वाई लोअर लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर हमें जीरो पुट करना होगा तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू फोर माइनस टू एक्स माइनस वाई और इसकी जो अपर लिमिट है वो इस सरफेस तक वेरी करेगी यानी कि इस प्लेन तक वेरी करेगी जिसको मैं कह सकता हूँ ये आपका फंक्शन आ गया है म्यू एक्स वाई सेकेंड अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं रीराइट करके तो मैं इसको लिख सकता हूं टू एक्स प्लस और अगर मैं इसको वाई के टर्म्स में लिखता हूं यानी कि वाई इक्वल्स टू फोर माइनस टू एक्स यहाँ पर वाई का लिमिट जो है आपको जीरो दे रखा है तो इसको अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा फोर माइनस टू एक्स यानी कि लोअर लिमिट आपको जीरो और अपर लिमिट आपको यहाँ तक मिलेगी अपर लिमिट इसको मैंने बोला लेमडा एक्स हमें जो वैल्यू चाहिए था वो किसका चाहिए था लेम्डा एक्स माइनस म्यू एक्स कॉमा वाई यहाँ पर लेमडा एक्स का वैल्यू है फोर माइनस टू एक्स और म्यू का जो वैल्यू है माइनस फोर प्लस टू एक्स प्लस वाई यहाँ फोर और -4 कैंसिल आउट हो गए -2 2 कैंसिल आउट हो गए जो रिमेनिंग 1 है वो y है यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन d होगा अब अपन हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं डबल पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ पर टू वेरिएबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ xy आपको दे रखा है सबसे पहले फंक्शन जो है fxy वो है आपका xy2 एक्स प्लस वाई और कंडीशन है जब डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वाई आपका ये जीरो नहीं है और अगर जीरो है उसके इसमें आपको जीरो दे रखा है आपको निकालना है यहां पर आप देख सकते हैं पार्शियल सेकेंड पार्सल डिलीवरी प्लस डी टू एफ अपॉन डी वाई डी इसको हम दो बोल सकते हैं डी ना बोलें तो ये बेहतर है तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं इसका मीनिंग हुआ कि यहां से जो y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका फिर x के रेस्पेक्ट में करना है और जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है उसका फिर y के रेस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट नोटेशन में लिख लेता हूं ये है डी एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई यानी कि एफ वाई और उसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर डी ओवर डी एक्स मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं ये पहले एफ वाई है और इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां पर मैं एक्स ले लूंगा एफ एक्स वाई और ये मुझे फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट जीरो जीरो तो जो मैंने लिखा वो परफेक्ट है अब हम पार्सल डेरिवेटिव को किस तरह निकालते हैं अगर मैं x के रेस्पेक्ट में यानी कि अगर मैं FX निकाल रहा हूं तो वो मैं कैसे निकालूंगा लिमिट h टेंस टू f क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ सपोज करो ए बी पर निकाल रहा हूँ तो ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी डिवाइडेड बाय एच ये डेफिनेशन है और सेम अगर एफ बाई में निकाल रहा हूं तो ये लिमिट एच की जगह आप आपके को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि ये अच्छा रहे एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन की ये आपके पार्सल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है तो आप यहाँ पर देखिए जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है एफ वाई का मुझे निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स है इसलिए एच टेंस टू जीरो का निकालना है एट द पॉइंट जीरो जीरो तो जीरो प्लस एच कॉमस जीरो माइनस एफ वाई एट जीरो हमारी मेन इक्वेशन है जिसको मैं प्रिंसिपल इक्वेशन बोल देता हूं. तो इसके लिए मैं इसको अगर लिखता हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एफ वाई एट जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच ये हमारी एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया है पी का यानी कि अगर मुझे यहाँ से F zero zero F h, और F zero zero मिल जाए तो मैं इक्वेशन को कर सकता हूँ तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा एफ बाई एच कॉमस जीरो को फाइंड आउट करना यहाँ पर आप इससे आइडिया लगा सकते हैं वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है तो लिमिट के टेंस टू जीरो ये हो जाएगा आपका f अब पॉइंट है हमारा h कोमा जीरो प्लस k माइनस f h कोमा जीरो डिवाइडेड बाय k और इसका मीनिंग हुआ अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखता हूं लिमिट k टेंस टू जीरो ये हो जाएगा f h कॉमा k माइनस एफ एच कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय के अगर मैं एफ एच जीरो इसका वैल्यू निकालता हूं तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो है और जो फंक्शन की डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इस तरह से ये वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा यहां पर सिर्फ ये वैल्यू बचेगा हमारे पास जिसको मैंने सर्कुलर किया है तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट के टेंस टू जीरो वैल्यू हो जाएगा एच के स्क्स के और ये वाला जो के था ये मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया है अब यहां से आपका के से के ये कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन ऑप्टेन होगा वो क्या हुआ लिमिट के टेंस टू जीरो एच के अपॉन एच प्लस के और के को जब आप जीरो कराएंगे तो फाइनली आपको ये लिमिट जीरो मिल जाएगी अब आप सेकेंड जो अननोन था उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं आप हेड से देख सकते हैं एफ वाई एट जीरो जीरो अब हमें वाई के रेस्पेक्ट में लिमिट को फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट जीरो जीरो तो फिर से मैं टर्म्स में लूंगा के टेंस टू जीरो F यहां पर मैंने लिखा एफ जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय के आपका ये सर्कुलर वैल्यू जीरो हो गया है और क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये आपका आएगा जीरो माइनस जीरो अपॉन के और के टेंड्स टू जीरो जब हम इस पे अप्लाई कराएंगे क्योंकि फाइनली एक्सप्रेशन हमें 0 मिल जाएगा इसका लिमिट यहां से जीरो हो जाएगा अब जो इक्वेशन p हमें मिला था जो इक्वेशन p था वो क्या था f एक्स वाई एट जीरो जीरो ये हमें मिल गया है एफ वाई हमारा पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एफ वाई जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच इस तरह था इस तरह से था इसका वैल्यू हमें जीरो मिला का भी वैल्यू जीरो मिला जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच फाइनली आपको इसका वैल्यू जीरो मिल जाता है तो आपसे जो पहला पॉइंट पूछा गया था एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो इसका वैल्यू आपका जीरो आ गया है अब आपको निकालना है एफ वाई एक्स एट जीरो जीरो इसका वैल्यू क्या आएगा तो इसका सिमिलर फैशन में हम निकालेंगे वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हमें लेना है एफ वाई वाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू जीरो क्योंकि हम जीरो जीरो पर निकाल रहे हैं जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो मैं मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स जीरो के माइनस एफ एक्स जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के अब हमें यहाँ पर ये दो अननोन वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना होगा इसको आप कॉल कर दीजिए इक्वेशन क्यू क्योंकि ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इक्वेशन है तो मैं इसको सबसे पहले एफ एक्स एट जीरो निकाल रहा हूं क्योंकि ये के के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है इसलिए मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो जीरो प्लस एच कॉमा के माइनस एफ जीरो कोमा के डिवाइडेड बाय एच मैंने इसको इस तरह लिखा और इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं लिमिट एच टू जीरो पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है ये वैल्यू जीरो हो जाएगा और यहां पर एच के फॉर्म में अगर मैं फंक्शन वैल्यू लिखता हूं तो क्या हो जाएगा एच के स्क्र अपॉन एच प्लस के और यहां पर जो एच दे रखा है ये मैंने आउटसाइड साइड लिया इस एच से ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलेगा के स्क्वेयर अपॉन एच प्लस के और लिमिट आपकी चल रही थी एच टेंस टू जीरो जब आप इसमें एच टेंस टू जीरो करेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको इसकी लिमिट के मिल जाएगी अब जो सेकेंड अनोन था इक्वेशन क्यू में वो था एफ एक्स एट जीरो जीरो इसको फाइंड आउट करते हैं और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच अगर मैं इसको सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच कॉमस जीरो माइनस एफ जीरो जीरो एक एक स्टेप दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे इसमें अगर आप ये सवाल सीख जाते हैं तो आपके पार्सल डेरिवेटिव के सवाल सारे ही सॉल्व कर सकते हैं आप एच टेंस टू जीरो अब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी जीरो माइनस जीरो अपॉन एच और फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू जीरो मिलेगी अब ये जो वैल्यूज वैल्यूज थी इक्वेशन क्यू में आप यूज कर सकते हैं जो कि आपकी इक्वेशन क्यू क्या था वो था आपका एफ वाई एक्स एट जीरो जीरो जिसको हमने लिखा था लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स जीरो कोमा के माइनस एफ एक्स जीरो जीरो डिवाइडेड बाय के यहां पर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो आपकी के आई थी और जो सेकेंड वैल्यू आई थी वो जीरो थी डिवाइडेड बाय के और लिमिट के टेंस टू जीरो यहां पर वैल्यू आपकी वन आएगी अब आपसे पूछा गया था एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो प्लस एफ वाई एक्स एट जीरो जीरो पहली वैल्यू ये जो थी ये जीरो थी और जो सेकेंड वैल्यू है वो वन आई फाइनली आपको इसका

एफ एक्स वाई इसका स्क्वेयर अगर ये लेस देन जीरो आता है तो आपका जिस पॉइंट पर ये लेस देन जीरो आएगा वो सेडल पॉइंट होगा अगर यहां पर ये इक्वल टू जीरो आ जाता है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी और ये ग्रेटर देन जीरो आता है तब ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होता है यानी कि मैक्स भी हो, जा, हो सकता है और मिन भी हो सकता है ये डिपेंड करता है फिर एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई पर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं एफ एक्स और एफ वाई इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं हम दोनों को और यहाँ से एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है यानी कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है तो हमें ग्रेडिएंट एफ इक्वल्स टू जीरो पुट करना होता है इसके जीरो पुट करने का मीनिंग है कि आपके जो पार्सल डेरिवेटिव होंगे पार्सल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये जीरो होगा और पार्सल एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई ये जीरो होगा स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए सिर्फ यही कंडीशन है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये भी कंडीशन है कि जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करते हो यानी कि या तो ये ना करता हो या ये ना करता हो ये दोनों तो है ही साथ में नॉन नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन भी आ जाती है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ एक्स एक्स फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन के लिए वो हो जाएगा सिक्स एक्स वाई माइनस डबल एक्स फाइंड आउट करते हैं सिक्स वाई सिमिलरली हम एफ बाय फाइंड आउट करते हैं वो हो जाएगा थ्री एक्स स्क् प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर वाई और एफ बाय वाई ये हमें मिलेगा ट्वेंटी फोर वाई माइनस ट्वेंटी फोर और अब एक जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है एफ एक्स वाई ये क्या होगा आपका ट्वेंटी फोर वाई माइनस ट्वेंटी फोर और सॉरी ये होगा आपका 6X. अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करना होगा इसका मतलब हुआ किस एक्स इक्वल्स टू जीरो यहां से आपका जो सॉल्यूशन आता है एक्स इक्वल्स टू जीरो और वाई इक्वल्स टू जीरो आता है अब आप एफ वाईल्स टू जीरो पुट करेंगे एफ वाई टू जीरो जब पुट करते हैं इसका मीनिंग है थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वेर माइनस ट्वेंटी फोर वाई टू जीरो से हमें मिलेगा वाईल्स टू जीरो और वाईक्वल टू टू अब हमें यहाँ पर y की दो वैल्यूज मिल गई हैं और x की एक वैल्यू पता है हमें तो x के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए यानी कि जीरो कॉमा और जीरो कॉमा दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं और ये वाईल्स टू वन अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो करस्पोन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगे तो थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो यहां से हमें x की दो और वैल्यूज मिल गई हैं प्लस माइनस टू यानी कि जब y आपका वन था तो x की एक टू वैल्यू मिलती है और x की एक माइनस टू वैल्यू मिलती है तो यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट हमें और मिल जाते हैं यानी कि टोटल हमारे पास चार क्रिटिकल पॉइंट हो गए हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है टू कॉमा माइनस सॉरी टू कॉमा वन और माइनस टू कॉमा वन ये चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं अब हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि वे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा सके सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होगा फिर यहाँ पर एफ एक्स एक्स पर एफ वाई वाई यहाँ पर, पर कॉन्क्लूजन कि हमारा क्या कॉन्क्लूजन है तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है जीरो जीरो यहाँ पर अगर हम एफ एक्स एक्स की वैल्यू देखते हैं माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर ग्रेटर देन जीरो तो यहां पर अगर ये है तो आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्स हो जाएगा अगर क्रिटिकल पॉइंट जीरो टू पर चेक करते हैं ग्रेटर देन जीरो पॉइंट ऑफ मीन हो जाएगा यानी कि दोनों ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गई है टू कॉमा वन अगर इस पर चेक करते हैं जीरो जीरो लेस देन जीरो तो ये आपका सेडल पॉइंट हो जाएगा सेडल पॉइंट क्यों है क्योंकि आपकी ये कंडीशन लेस देन जीरो है और अगर माइनस टू कॉमा वन पर चेक करते हैं जीरो जीरो से पर सेडल पॉइंट के बारे में पूछा गया है तो दो सेडल पॉइंट आपके हो गए हैं टू कॉमा वन और माइनस टू कॉमा वन लेकिन ये एक एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी करेक्ट होगा